उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के उस तबके के हितों के लिए, जो वास्तव में शासन की योजनाओं का हकदार होना चाहिए था, जिसे उन योजनाओं से वंचित किया गया था, इन सब के लिए कार्य करने का सरदेव बाबू जी ने प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के बाहर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसी प्रतिबद्धता के साथ किया जैसे कोई अपने स्वयं के कार्य को जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है,